नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। बीजेपी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी इस स्थापना दिवस को सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मना रही है। बता दें कि 6 अप्रैल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। वहीं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पीएम मोदी ने देश भर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पीएम मोदी ने कहा कि देश बजरंग बली की तरह आगे बढ़ रहा है। बीजेपी के लिए राष्ट्र सबसे पहले है और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लगातार काम किया जा रहा है। वहीं राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश और देश के सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पार्टी के लखनऊ कार्यालय पर सीएम योगी ने बीजेपी का झंडा फहराया। साथ ही बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं ने स्थापना दिवस पर ट्वीट भी किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। आ गए ना जी, आज भारतीय जनता पार्टी का 44वां स्थापना दिवस है। मैं इस अवसर पे भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को, देश और विदेश में फैले हुए अपने भारतीय जनता पार्टी के परिवार को नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। खास करके हमारे पार्टी के जो संस्थापक नेतागण थे, उसकी प्रेरणा देने वाले जो नेतागण थे, दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर के श्याम प्रसाद मुखर्जी जी से लेकर के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, ऐसे जो तमाम जो नेतागण थे, उनको भी मैं आज के इस अवसर पर बहुत बहुत नमन करता हूँ। बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी 44वें स्थापना दिवस पर मैं आप सबके माध्यम से देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और आप सबने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनाने का जनादेश दिया है, उस जनादेश का सम्मान करते हुए जो आम आदमी से जुड़े विषय हैं, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का जो अंत्योदय का हमारा योजना है उसे पूरा करना है और आज अपने मार्गदर्शन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 50 साल की भाजपा होगी उसकी तैयारी के लिए किस रूप में हमें आगे बढ़ना है। आज का जन्मोत्सव है और जिस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज जो है श्री राम काज के लिए समर्पित रहते थे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र काज के लिए, पार्टी के काम के लिए समर्पित रहे। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है, चुनाव तो जनता के आशीर्वाद से, पार्टी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से जीत रहे हैं, लेकिन चुनाव के साथ साथ हिंदुस्तानियों का दिल भी जीतना है, यह सबसे बड़ी बात उन्होंने कही। धन्यवाद। आज के पवित्र अवसर पर सबको स्मरण करना है, राम काज किने बिनु, राम काज किने बिनु मोही कहां विश्राम। भाइयों और बहनों, भाजपा वो पार्टी है जिसके लिए राष्ट्र सदैव सर्वोपरि रहा। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी आस्था का मूल मंत्र रहा। जब जनसंघ का जन्म हुआ था तो हमारे पास न ज्यादा सियासी अनुभव था, न साधन थे, न संसाधन थे, लेकिन हमारे पास मातृभूमि के प्रति भक्ति, हमारे पास लोकतंत्र की शक्ति थी। जो देश लोकतंत्र की जननी हो, मदर ऑफ डेमोक्रेसी हो, उसकी जनता के नीर क्षीर विवेक पर प्रारंभ से हमारी आस्था रही है और दिनों दिन वो आस्था और मजबूत होती जा रही है।
जेपी आज अपना स्थापना दिवस बेहद ही धूमधाम के साथ मना रही है। 43वां स्थापना दिवस आज देश भर में मनाया गया क्योंकि आज बीजेपी का स्थापना दिवस था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन भी किया और वहीं कहा कि बजरंग बली की ही तरह हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है। तो वहीं इस खबर पर पूरी अपडेट के लिए हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव जुड़े हैं। गौरव, आज भाजपा का स्थापना दिवस था और पूरे धूमधाम से देश भर में इसको मनाया गया, लेकिन लखनऊ में क्या कुछ कार्यक्रम किया गया? देखिए मुस्कान, अहम बात यह है कि बीजेपी अगर देखा जाए तो कार्यकर्ताओं के मामले में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी। 1980 शुरू हुई पार्टी लगातार कीर्तिमान बना रही है और जिस तरह से देश भर में आयोजन किए जा रहे हैं वो स्पष्ट करते हैं कि उत्साह से परिपूर्ण ये पार्टी है। और जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की तुलना हनुमान जी से की है, भगवान हनुमान जी से कही है, उन्होंने कहा है कि जो हनुमान जी की एक इच्छा थी कि कर सकने की क्षमता, वो क्षमता के साथ बीजेपी यहाँ काम कर रही है और प्रत्येक निर्णय प्रत्येक काम को लिए बोलती है हम ये कर सकते हैं, उसी की पटकथा के तहत हम यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी यार मुस्कान, यहाँ पर अगर कार्यक्रमों की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। आज हनुमान जयंती भी है, उसके भी कार्यक्रम हो रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी यहाँ पर भी कार्यक्रम हुए, जहाँ पर प्रधानमंत्री ने जहाँ पर इतना दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो वहीं उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में मुख्यालय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, झंडा फहराया और स्थापना दिवस का जो उत्साह था वो यहाँ देखते ही बन रहा था। सभी कार्यकर्ता, सभी जनता के प्रतिनिधि, पदाधिकारी, मंत्रीगण वहाँ मौजूद थे, स्पष्ट करते थे कि बीजेपी हर कार्यक्रम को बड़े अच्छे से रूल देती है और उस कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं में उत्साह बनना भी जरूरी होता है क्योंकि निकाय चुनाव आने वाले हैं मुस्कान, उसके लिए इस तरह के कार्यक्रम होते रहते समय समय पे तो कार्यकर्ताओं में जोश बना रहता है। जी बिल्कुल गौरव, आज से ही भाजपा सामाजिक न्याय सप्ताह भी मनाएगी जो कि 14 अप्रैल तक तकरीबन चलेगा। तो ऐसे में निकाय चुनाव करीब है और सामाजिक न्याय सप्ताह भी बीजेपी मनाएगी, तो इस पूरे त्योहारों के जरिए ये कहा जाए कि क्या कुछ संदेश देने की कोशिश भाजपा कर रही है? देखिए सामाजिक न्याय सप्ताह इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को, जहाँ एक तरफ बीजेपी आज अपने स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करेगी और ये कार्यक्रम अगले एक हफ्ते चलेगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो जयंती रहेगी उस दिन उनके कार्यक्रम का समापन होगा। अगर हम विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी 14 अप्रैल यानी आज नहीं बल्कि 14 अप्रैल से अपना देश बनाओ और देश बचाओ देश बनाओ यात्रा अभियान चलाने वाली है, जो उनका अभियान प्रारंभ से शुरू होगा। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव इस अभियान को हरी झंडी देंगे। तो कहीं ना कहीं मुस्कान यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कार्यक्रमों की व्यवस्था चलती रहती है और यहाँ पर भी कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश देना चाहती है सामाजिक न्याय सत्ता के माध्यम से कि समाज की जो न्याय व्यवस्था होती है वो सभी वर्गों के लिए होती है, विशेषकर पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए बात कही जाती है। और चूंकि बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यक्रम का समापन होने वाला है तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी इस वर्ग को अपने पाले में करने का प्रयास करती नजर आएगी क्योंकि यहाँ पर सभी पार्टी भी तमाम कार्यक्रम के माध्यम से, चाहे अगर अभी हाल में देखा कि अखिलेश यादव रायबरेली गए थे, उन्होंने जो मान्यवर काशीराम जो बसपा के संस्थापक उनकी मूर्ति का अनावरण किया, तो कहीं ना कहीं सभी पार्टी भी यहाँ इस वर्ग को अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल गौरव, लेकिन देखने वाली बात यह अहम होगी कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश काशीराम जब साथ में आए तो हवा में जय श्री राम उड़ गए, उन्होंने ये बयान दिया था पूरा, तो वहीं अब पीएम मोदी ने ये साफ तौर पर कहा है कि हनुमान जी की ही तरह अब हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है। तो जहां एक तरफ तो हवा में जय श्री राम को उड़ाया जाता है सपा के द्वारा, जी बोले गौरव। देखिए यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के लिए चेहरा बन चुके हैं शायद, उनके माध्यम से समाजवादी पार्टी एक दूसरा लक्ष्य साध रही है और जो आपने अभी बात कही वो उसका जो मुख्य अर्थ ये है कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज की बात नहीं है, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार जी सरकार बनी थी, बसपा सरकार बनी थी, मुलायम सिंह यादव का सपोर्ट था, सपा का सपोर्ट था, उस समय ये बात कही गई थी, तब यहाँ पर बहुमत मिला था सपा को और बसपा ने वहाँ पर समर्थन दिया था। तो कहीं ना कहीं उसका सबसे महत्वपूर्ण बात है उस समय भी चर्चा यही की जा रही थी कि उस नारे को यहाँ पर चलाया जाए, वो नारे को यहाँ बुलाया गया। यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने रायबरेली में नारे को बोला और भीड़ से
उन्होंने आवाज लगवाई कि हवा में उड़ गया जसीराम, जिसको लेकर हिंदू युवा वाहिनी ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है और लगातार वो निशाने पर है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी एक तरफ पिछड़े वर्ग को अपने पाल में करने प्रयास कर रही है तो कहीं दूसरा वर्ग समाजवादी पार्टी नाराज न हो जाए। और ये वर्ग आता सवर्ण वर्ग, इसमें आपके ठाकुर ब्राह्मण कायस्थ जो वर्ग आते हैं, अगर इस तरह की चर्चा होती रहेगी, स्वामी मौर्य इस तरह के बयान देते रहे तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का अगर एक वर्ग पाले में आने का प्रयास कर रही है तो दूसरा वर्ग उसे छटक जा सकता है। लेकिन गौरव, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस तरीके से सपा कहीं ना कहीं एक वर्ग को नजरअंदाज करने का काम कर रही है तो उसी वर्ग को साधने का काम भाजपा द्वारा बखूबी किया जा रहा है। देखिए, बीजेपी का शुरू से नीति है और मुस्कान, आपको इस पर बता दूं कि बीजेपी का जो अगर इस वोट वर्ग की बात करें, दर्ज वर्ग की बात करें, पिछड़ा वर्ग की बात करें, OBC की बात करें तो बीजेपी में तमाम पदाधिकारी OBC वर्ग के आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष OBC वर्ग के हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह OBC वर्ग से हैं, केशव प्रसाद मेरे OBC वर्ग से हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी स्पष्ट नारा दे चुकी है कि OBC वर्ग के पिछड़ा वर्ग के हम साथ हैं। और अगर हम बात करें, ये वोट बैंक के परंपरागत बसपा का रहा है, पर बसपा में छिटकने के बाद ये वोट बैंक फिलहाल बीजेपी के साथ है और यही समस्या फिलहाल समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती के रूप में है कि अगर इस वोट वर्ग से कुछ परसेंटेज भी अगर अपने साथ ले लेते हैं तो शायद सपा के लिए फायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल गौरव, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन विपक्षी दलों ने खूब हंगामा किया। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के साथ कई मुद्दों को लेकर विपक्षी दल सरकार के ऊपर हमलावर नजर आए। सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद भवन से लेकर विजय चौक तक तिरंगे को हाथों में लेकर पैदल मार्च किया। तिरंगा मार्च निकालते हुए कई मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। वह विपक्षी दलों के इस मार्च का नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। देशों के प्रधानमंत्रियों से या वहां के बिजनेसमैन से या वहां के मंत्रियों से मुलाकात की है और आपके वजह से उनको कौन सा ऑर्डर मिला, कैसा मिला, ये सारे डिटेल यहां पर चर्चा होना चाहिए। इसीलिए हम JPC की मांग कर रहे थे, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की। इसमें कोई उनको नुकसान तो होने वाला नहीं था क्योंकि उनको 2/3 मेजोरिटी है हाउस में, लोकसभा। अरे लोकतंत्र की हत्या बंद करो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरीके से 13 मार्च 2023 को बजट की शुरुआत हुई, लेकिन आज बजट सत्र का अंतिम दिन रहा, लेकिन आज भी ये सत्र नहीं चल पाया और आखिरकार जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से स्थगित कर दी गई, तो एक तरफ तो विपक्ष ये कहता है कि उसको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, दूसरी तरफ उनकी वजह से सत्र नहीं चल पाया। जी मुस्कान, आपको बता दें कि संसद के का बजट सत्र जारी हुआ, इसके ठीक बाद अगर बात करें तो विपक्षी दल लगातार अडानी मामले और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी मामलों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल पूछते हुए कई आरोप लगाए। साथ ही अगर बात करें तो मुस्कान, सदन का फेज 1 हो या फेज 2, पूरी अगर देखें तो संसद की कार्रवाई बजट सत्र की हंगामों के भेंट चढ़ी। अगर बात करें तो जहां कांग्रेस पार्टी अडानी मामले को लेकर कहीं ना कहीं सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आई, और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और देश के नामी गिरामी उद्योगपति गौतम अडानी के रिश्तों के बारे में सवाल पूछते हुए नजर आई। साथ ही आपको बताएं कि आपने देखा कि राहुल गांधी फेज 2 से पहले, जब बजट सत्र का फेज 2 होता है उसके ठीक बाद वो विदेश यात्रा पर जाते हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक संबोधन करते हैं जिसमें विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाते हैं। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और NDA के सभी जो घटक दल हैं उनका साफ तौर से राहुल गांधी से माफी मांगने पे अड़े हुए थे। और बात करें तो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि मुझे संसद में बोलने का मौका दे, मैं हर चीजों को स्पष्ट करूंगा। उसके ठीक बाद अगर बात करें तो प्रधानमंत्री और मोदी कास्ट को लेकर उनकी सदस्यता रद्द हुई, साथ ही साथ उनके बंगले आवास वापस लिए गए, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर में लगातार अडानी और साथ ही साथ सदस्यता जाने को लेकर केंद्र सरकार पर। बिल्कुल विभांशु, जिस तरीके से राहुल गांधी की माफी की मांग उठाई गई सत्ता दल के द्वारा, तो वही विपक्षियों द्वारा JPC की मांग उठाई गई है, लेकिन ऐसे में विकास के ना तो मुद्दों पर चर्चा हुई,
कितने महत्वपूर्ण अध्यादेश थे जो पारित नहीं हो पाए, तो ऐसे में जनता की कहां गलती है जो जनता के विकास पर बात नहीं हुई, जनता के मुद्दों पर बात नहीं हुई? जी बिल्कुल मुस्कान, अगर बात की जाए तो पक्ष और विपक्ष तमाम सवालों को लेकर आपस में उलझता हुआ नजर आया, मगर पूरी तरह से देखा जाए तो संसद के अंदर में, राज्यसभा के अंदर में लगभग 26 और लोकसभा के अंदर में 5 अति महत्वपूर्ण बिल पास होने थे, और पूरी तरह से देखा जाए मुस्कान तो संसद का सत्र पूरा हुआ, मगर इन अगर टोटल की बात करें तो 3100 बिलों पर चर्चा नहीं की गई। बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं संसद की कार्रवाई पक्ष और विपक्ष के हंगामे के बीच चढ़ गई। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो संसद का आज आखिरी दिन था सत्र का, फेज 2 बजट का, उसमें साफ तौर से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में अगर बात करें तो उनकी तरफ से एक मार्च निकाला गया जिसमें तमाम विपक्षी दल मौजूद रहे। साथ ही साथ विपक्षी दलों की अगर देखें तो 16 से अधिक संख्या में विपक्षी दलों का एक मार्च निकाला गया जो विजय चौक पर जाके समाप्त हुआ। इन बीच अगर देखा बिल्कुल विभांशु, लेकिन एक आखिरी और अहम सवाल अब ये जानना जरूरी है कि जो टी पार्टी आज शाम को होने वाली है तो क्या विपक्षी दल उस टी पार्टी में शिरकत करेंगे या फिर सभी विपक्षी दल उस टी पार्टी का भी बहिष्कार करेंगे? अब ये अगर बात करें तो आज शाम में चाय पार्टी का एक आयोजन होना है जिस बिल्कुल जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखी गई है, जिसमें बात करें तो 17 प्रमुख विपक्षी दलों को न्योता दिया गया है। देर शाम साफ होगा कि कौन कौन विपक्षी दल इस टी पार्टी में मौजूद रहे। अगर बात करें तो लगातार अगर देखें तो ईडी के दफ्तर तमाम विपक्षी दल जा रहे थे, उस वक्त अगर बात की जाए तो टीएमसी को छोड़कर तमाम दल कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आए थे। अब देर शाम देखने वाली बात ये होगी कि कौन कौन दल इस टी पार्टी में सम्मिलित होते हैं, हम आगे की क्या नीति तैयार करते हैं। बिल्कुल धन्यवाद दिव्यांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला है, जहां संसद का बजट सत्र स्थगित कर दिया है तो वही तमाम ऐसे अध्यादेश थे जिन पर चर्चा नहीं हो पाई। कुल मिलाकर अगर आपको जानकारी दे तो 31 अध्यादेश थे जिन पर चर्चा होनी थी, लेकिन लगातार हंगामे के बाद चाहे वो सत्ता दल हो चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो, इतना हंगामा हुआ कि किसी भी अध्यादेश पर चर्चा नहीं हो पाई है। वहीं बिहार में जातीय जनगणना का पहला फेज पूरा हो चुका है, अब दूसरे चरण के जनगणना का काम शुरू होने जा रहा है। बता दें कि इस महीने की 15 अप्रैल को इसका भी काम शुरू हो रहा है और बिहार सरकार ने सूबे की 215 जातियों के नाम की सूची तैयार की है, यानी कि अब से जातियों की पहचान उनके कोड के जरिए होगी। वहीं नाम दर्ज कराने को लेकर विशेष नजर रखी जाएगी, अगर कोई व्यक्ति 2 बार नाम लिखवाने की कोशिश करेगा तो ऐप के जरिए उसके बारे में पता चल जाएगा। तो अब बिहार में कोर्ट से होगी सभी जातियों की पहचान, तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, बिहार में जातियों की पहचान कोर्ट से होगी, क्या कुछ फायदा मिलेगा इसका और टोटल कितने कोर्ट बनाए गए हैं? देखिए मुस्कान, जिस तरीके से जाति जनगणना का मुद्दा बिहार से शुरू हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश तक ये मुद्दा गया और नीतीश कुमार जो है वो सबसे पहले इस मुद्दे को उठाए थे और जाति जनगणना की लगातार बात कर रहे थे। अब बिहार में 15 अप्रैल से जो दूसरा फेज है जाति जनगणना का वो शुरू हो गया है और बिहार सरकार के कर्मचारी जो है वो घर घर जाएंगे। जैसे जनगणना के कर्मचारी घर घर जाके ये स्थिति पूछते थे कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने महिलाएं हैं, उसी प्रकार से घर जाके ये कर्मचारी जो है लोगों की जात पूछेंगे और बाकायदा कोड निर्धारित करेंगे। कुल 214 कोड जो है निर्धारित किए गए हैं बिहार में और इसको लेकर तमाम जो है रसाकसी जो है शुरू हो चुकी है, क्योंकि बिहार सरकार जो है खुद के खर्चे पे ये जाति जनगणना करा रही है और बाकायदा सभी को कोड भी दे रही है। और ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि कोई 2 बार जो है अपनी जाति का नाम ना दर्ज करा पाए, इससे भी जो है वो ध्यान रखा जाएगा। अब आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, इससे जो है निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है ये जाति जनगणना अपने सरकार के खर्चे करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका निशाना लोकसभा चुनाव की तरफ है, केंद्र सरकार की तरफ है, क्योंकि 10 महीने लगभग बचे हुए हैं और हर पार्टी जो है वो मोदी सरकार को चुनौती देना चाहती है और तीसरे फ्रंट के रूप में उभर के देश में सामने भी आना चाहती है।
बिल्कुल विवेक, अगर इस जातीय जनगणना की बात की जाए तो उसमें यह भी कहा जा रहा है कि कोई भी औरत अपने पति का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं होगी, तो वहीं जो दूसरी गाइडलाइन है उसमें यह कहा जा रहा है कि पिता के नाम के आधार पर ही उसकी जाति बताई जाएगी, बच्चे की जाति बताई जाएगी। तो ऐसे में अगर कोई औरत अपने पति का नाम नहीं बताना चाहती है, या अगर कोई मदर है जो सिंगल मदर है, उसका उसने बच्चे को अडॉप्ट किया है, तो उसकी जाति किस आधार पर उसको मिलेगी? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, आपने एक अच्छा सवाल किया। इसके पहले हम बता दें कि भारतीय संस्कृति में अगर कोई महिला जो है विवाह करके किसी परिवार में जाती है तो उसका वर्ग जो है बदल जाता है, उसके बाद वो अपने पति के वर्ग से जानी जाती है, वहाँ के टाइटल से जानी जाती है। और जिस तरीके से बातें चल रही हैं कि महिलाएँ जो है पति का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि पूरा बिहार जो है वो एक अलग संस्कृति रखता है, यूपी बिहार, यहाँ महिलाएँ अपने पतियों के नाम नहीं लेती हैं। बाकायदा महिलाएं अगर बाधित नहीं है तो उस परिवार में कोई ना कोई पुरुष होगा, कोई बच्चा होगा जो ये डिटेल दे सकता है, उस आधार पे जो सरकारी कर्मचारी है वो ये डिटेल बनाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए किसी बच्चे की अडॉप्शन की बात की जाए, अगर कोई बच्चा कोई दंपति अडॉप्ट करता है तो वो दंपति उसको अपना नाम देता है, जाहिर सी बात है स्कूल में जो है वो जो दंपति है अपना नाम दर्ज कराता है पिता के रूप में, माता पिता के रूप में उस दंपति के नाम दर्ज होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो लड़का जो है उसी दंपति के पहचान से जाना जाएगा, उन्हीं के जाति से जाना जाएगा। और जो जो वो दंपत डिसाइड करेगा उस बच्चे के बारे में, वो विवरण जो है कर्मचारियों को वहां साझा भी करना पड़ेगा। बिल्कुल विवेक, लेकिन अगर कोई सिंगल मदर है और अगर वो बिल्कुल ही अपने पति की आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती है, तो इस मामले पर कैसे पता चलेगा कि बच्चे की आखिर जाति क्या है? जी अगर वो सिंगल मदर है, उसका बच्चा इस स्थिति में है, अगर बच्चा उनका बड़ा है तो वो अपनी डिटेल दे सकता है, बाकी उनके परिवार के कोई सदस्य या आस पास के जो सदस्य हैं उनको विवरण जो है सरकारी कर्मचारियों के साथ साझा कर सकते हैं, जिससे ये दुविधा बाकायदा दूर हो सकती है। सभी कर्मचारियों को इस बात का अवगत भी है और सभी जो है वो बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, जो इन कर्मचारियों में जो सहायक अध्यापक होते हैं उनका उनकी जो मदद ली जाएगी, वो ये विवरण जो है अपनी डिटेल में रखेंगे और सरकार के सामने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत भी करेंगे। बिल्कुल विवेक, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि कुल 215 जातियों के कोड लिस्ट जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि 215 में जो अन्य जातियां हैं उनको शुमार किया गया है, तो वो 215 में जो अन्य जातियों के नाम हैं उनमें कौन कौन सी जातियां निकल के सामने आ रही हैं? देखिए जी, ऐसी कई जातियां हैं जो अनुसूचित दर्जे की हैं, जो निचले दर्जे की हैं, जिनको पिछड़ों में गिनती की जाती है, बात की जाए तो एससी और एसटी की कुछ जातियां हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा गया है। बाकायदा सबका जो है विवरण जो है वो इसमें रहेगा, बाकायदा ये लोग अपने सारे विवरण जो है वो कर्मचारियों के साथ साझा करेंगे और सरकार ने अपने कर्मचारियों को भी स्पष्ट संदेश दिया गया कि कोई भी जाति हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, किसी की भी जाति जो है वो छूटनी नहीं चाहिए। बाकायदा चाहे वो कुर्मी जाति हो, सबके लिए एक अलग कोड भी डिसाइड कर दिया गया है, भूमिहार हो, वैश्य हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, कुर्मी हो, सबके लिए बकायदा कोड जो है डिसाइड कर दिया गया ताकि किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन न रहे। हमने अक्सर देखा है कि टाइटल कई सेम होते हैं लेकिन जातियां जो है अलग होती हैं, इसलिए जाति के आधार पर कोड बनाए गए हैं और इन कोड से जो है वो जाति जनगणना बिहार की सरकार करा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद वे इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आज देश भर में हनुमान जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग शहरों में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। बीते दिनों हुई हिंसा और त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा शहर के चप्पे चप्पे पर ड्रोन कैमरे के जरिए पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। संवेदनशील इलाकों में खासकर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ सीएम योगी ने भी ट्वीट कर हनुमान जन्मोत्सव की प्रदेशवासियों को बधाई दी है। तो आज हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि रामनवमी के मौके पर दंगा भड़का, आगजनी भी हुई और कई जगहों पर इंटरनेट बंद करना पड़ गया, तो वहीं आज जो है हनुमान जन्मोत्सव है, तो ऐसे में किस तरीके की तैयारियां जो पुलिस प्रशासन द्वारा की गई हैं?
तरीके से आने जो रामनवमी निकला था, रामनवमी को लेकर के हिंसा हुई थी, दो समुदाय भी आमने सामने आए थे, तो इसको लेकर के जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया था, तो अलर्ट जारी जिस तरीके से किया गया, तो जिस तरीके से रिहायशी इलाके या जैसे पॉश इलाके जहां पर देखा जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, अराजकता फैलती है, तो वहां पर पीएसी के साथ जो पुलिस फोर्स है वो लगातार ट्रोलिंग भी कर रही है और लोगों से संवाद भी कर रही है कि इस तरह की कोई घटना ना हो, क्योंकि इसके साथ ही जैसे जो रिहायशी इलाके वहां पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है, क्योंकि जैसे तो कहा जाता है जैसे अक्सर देखा जाता है कि जो रिहायशी इलाके वहाँ छतों पर भी कुछ सामग्रियां रखी होते हैं अराजकता फैलाने के लिए, तो लोग आपस में हिंसक हो जाते हैं, तो इसको लेकर के ड्रोन से पूरी निगरानी किया है, जहां पर भी ऐसी कुछ स्थिति मिलती है तो उसको लेकर के पुलिस उन पर कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन जब बात की जाए, फिलहाल अभी तक ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई है, जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों की माने तो वो लोग पहले से ही इन सभी घटनाओं को लेकर के अलर्ट हो चुके हैं और जगह जगह पर जैसे रिहायशी इलाके या फिर सड़क है उन सभी जगहों पर पुलिस अपनी पेट्रोलिंग भी करने में लगी हुई है। इसके साथ ही जो स्थानीय थाने उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। मोहम्मद करीम, आज लखनऊ के किन किन मार्गों से ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इसको लेकर? देखिए, जो शोभा यात्रा निकाली जाती है वो जैसा कि परिवर्तन चौराहा है वहां से गोमती तक की पूरी शोभा यात्रा निकलती है या फिर लक्ष्मण मेला मैदान है, इन सभी जगहों पर निकलती है, लेकिन उन जगहों पर पुलिस पहले से ही अलर्ट है और वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था की बात किया तो सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं और जगह जगह पीएससी जो लगाई जाती है कि ऐसी कोई स्थिति ना उत्पन्न हो तो पीएससी को भी अलर्ट कर दिया गया, कई बटालियन लगाई गई है जिससे कि कोई भी ऐसा अराजक तत्व दिखता है तो उसको या संदिग्ध दिखता है तो इसको हिरासत में लेकर के भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल मोहम्मद करीम, एक बेहद ही आम सा सवाल मैं आपसे करूंगी यहाँ पे कि पहले जब भी किसी तरीके का शोभा यात्रा के दौरान जुलूस निकलता था या शोभा यात्रा निकलती थी तो अक्सर जो लोग हैं बचते थे ऐसी जगहों से जगहों पर जाने के लिए कि वहां पे कहीं कोई हिंसा ना हो जाए, लेकिन अब कुछ जो ऐसे तत्व है वो जानबूझ के ऐसे जगहों पर पहुंचते हैं ताकि वहां पे वो दंगा भड़का सके, क्योंकि पहले आम लोग जो है वो जाने से कहीं ना कहीं थोड़ा कतराते थे कि त्योहारों में खलल ना पड़े। देखिए, जिस तरीके से पहले की जो स्थिति थी उस स्थिति को अब जिस तरीके से कंट्रोल किया गया, क्योंकि पहले कई लापरवाहियां भी देखी जाती थी लेकिन अब उन लापरवाहियों को संज्ञान लिया जाता है, उन जो लापरवाहियां दिखती है या जो लापरवाही बरतता है उन पर कार्रवाई भी की जाती है, तो कहीं ना कहीं इस साफ कहा जा सकता है जो जनता है, जनता अपने आप को महफूज समझती है क्योंकि अब पुलिस चप्पे चप्पे पर पूरी तरीके से निगाह रखे हुए, क्योंकि पहले देखा जाता था केवल पेट्रोलिंग की जाती थी, मुखबिरों की सूचनाओं पर काम किया जाता था, लेकिन अब पुलिस खुद हाईटेक हो चुकी है, ड्रोन से निगाह रख रही है। बिल्कुल मोहम्मद करीम, क्या लगता है कि जैसे सोशल मीडिया को अक्सर हम ये कहते हैं कि वो एक अच्छा माध्यम है पॉपुलर होने का या न्यूज को सर्कुलेट करने का, लेकिन जब भी कोई दंगे होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, सोशल मीडिया जिस तरीके से अपना रोल निभाता था हिंसा को लेकर के, लेकिन अब जिस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि मुख्यालय से खुद इस चीज की मॉनिटरिंग की जाती है, जो वहां पे सर्विलांस टीम बैठा ली गई है और जो सोशल मीडिया टीम बैठा ली गई है, क्योंकि जरा सी भी उस पर कुछ ऐसी स्थिति दिखती है तो उसको तुरंत जो है कैप्चर किया जाता है, या जिस तरीके से व्हाट्सएप की अगर हम बात की जाए, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी लोग आपस में जुड़ते हैं, उस पर भी कुछ ऐसी चीजें भेजते हैं जिससे लोग एग्रेसिव होते हैं, तो इसको लेकर के जो ग्रुप एडमिन है उनको भी हिदायत दी जाती है, तो इसको लेकर के तो लोग पहले से ही अलर्ट हो चुके हैं क्योंकि उनके कई कार्रवाइयां हो चुकी हैं, तो इसको लेकर के जिस तरीके कार्रवाइयां हो रही है और हिदायत भी दी जा रही है, क्योंकि अभी बीच में संवाद भी किया गया था अधिकारियों के द्वारा और सख्त हिदायत भी दी गई थी, चाहे धर्म गुरुओं की बात की जाए। यानी कि मोहम्मद करीम, एक मोटे तौर पर समझा जाए तो आज हनुमान जन्मोत्सव को लेकर अभी तक स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शोभा यात्रा को लेकर चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, पुलिस की भी पैनी नजर है। तो वही हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।